हम स्वागत करते हैं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री जयंत चौधरी जी का। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी का स्वागत है। सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री के संजय मूर्ति जी, सचिव कौशल विकास विभाग श्री अतुल कुमार तिवारी जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत है। साथ में है सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री संजय कुमार जी। हम हृदय से स्वागत करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका आज के इस कार्यक्रम में। और अब राष्ट्रगान होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। पुरस्कार विजेताओं पर एक लघु फिल्म प्रदर्शित कर रहे हैं और इसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया के करकमलों द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं ये फिल्म। खम्मम तेलंगाना के जिला परिषद हाई स्कूल में जीव विज्ञान पढ़ाने वाले श्री पेसरा प्रभाकर रेड्डी पिछले 28 सालों से नई नई शिक्षण पद्धतियों और इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी द्वारा शिक्षा में ग्रामीण छात्रों की रुचि बढ़ा रहे हैं, जिससे एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी काफी सुधार हुआ है। ग्रामीण छात्रों के एम्पावरमेंट में इनके उल्लेखनीय कार्यों को सरकार ने सराहा। श्री पेसरा प्रभाकर रेड्डी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। टिपेसारा प्रभाकर रेड्डी, तेलंगाना। और अब हम विनम्र विनती करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय राष्ट्रपति महोदया का। इस सम्मान समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, विभागीय अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, प्रिय शिक्षकगण, देवियों और स्वजन, आज महान विचारक एवं शिक्षाविद तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती है। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद करें। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। आज स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारी परंपरा के अनुसार प्रत्येक सप्ताह की तरह आज का दिन आप सभी शिक्षकों या गुरु को समर्पित है। आज के दिन मुझे अपना वो समय याद आता है जो मैं ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाती थी। मुझे वहाँ बच्चों से ना केवल अपार स्नेह मिला बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आज भी जब मैं बच्चों या शिक्षकों के बीच होती हूँ, मेरे अंदर का शिक्षक फिर से जीवंत हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे शिक्षकगण वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ कर देखेंगे। मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए हमारे शिक्षकगण भारत को विश्व का ज्ञान केंद्र बनाएंगे। इसी
आशा और भरोसा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोटि शह धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी प्रेरणा के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। आप सभी से आग्रह है कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम हृदय से आभारी हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति के लिए। सभी मंचासीन गणमान्यों का हृदय से धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कृपया अपनी ही जगह पर रहें। माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं।